हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट, बाकी के काम भी झाड़ू पोछा हो गया, बस कुछ कुछ काम अभी बचे हुए हैं। तो अभी सुबह गए हैं मेहमान गाँव को गए हैं, जो जेठानी और आ रखी थी ना, तो वो गए हैं आज गाँव और आएंगे वो 17 या 18 को आएंगे वहाँ से, और 19 को उन्होंने मुंबई जाना है। तो वो लोग सुबह निकल गए थे, उसके बाद हमें नाश्ता वगैरह किया, हाँ नहा धो के पूजा पाठ किया। अभी अंकु जा रही है हॉस्पिटल, उसने कुछ काम है वहाँ, साथ में जा रही है प्राप्ति और मैं कर लेती हूँ बाकी के काम। तो मेरा ये होता है ना, जब से कोई है घर में आ रखा, तो मैं एकदम से सीधा मतलब कैमरा ऑन नहीं कर सकती, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा कि सामने वाला मेरे बारे में मतलब क्या सोचेगा कि आते ही कैमरा ऑन कर ले। इसलिए मैंने मतलब इतने दिन रहे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन कल मैंने थोड़ा सा शूट की थी डिनर करने के बाद। कुछ लोगों ने डिनर कर लिया था, कुछ कर रहे थे। तो नाना ही कहेगा जी साबुन लगाना, सर शैम्पू में लगाना, साबुन लगा अच्छे से। तो चलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सच में वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा। और जो लोग आ भी रहे हैं ना वीडियो में, मैं उनकी भी नहीं देख पाई क्योंकि घर में मेहमान है, तो फिर ये होता है मोबाइल हाथ में उठाना ही नहीं होता है। तो और सुबह के टाइम बाप रे बाप इतनी धूप हो रही है। और अनिता सिस आई थी मॉल ऑफ देहरादून, मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो सिस आप, लेकिन वो भी क्या बोले, उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। मैं सोची अगर मुझे पता होता कि अनिता सिस यहीं पे आई है, हम यहीं बगल में रहते हैं, तो मैं सच में उनको मिलने जाती या तो उनको अपने घर में बुला ले आती। मैंने उनकी वीडियो देखी, मैंने कहा अरे अनिता दी यहीं पे आई थी, और मेरा बड़ा मन हो रहा था उनसे मिलने का, लेकिन बाद में पता चला जब उन्होंने वीडियो भी डाल दी है। कोई बात नहीं, कभी फिर आना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे बनी थी कल पनीर की सब्जी, कढ़ाई पनीर। तो कल बहुत सारे लोग हो गए थे, मेहमानों को लगा के और हम सबको लगा के टोटल 13 लोगों का खाना था। तो इसमें देखिए रोटी, क्योंकि कुछ लोग खा रहे हैं खाना, तो ये किचन में जो बचा हुआ है वही दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बनाई तोरी की सब्जी, रोटी, चावल, और ये है गाँव के चावल की खीर, यही सब कुछ बना था। और ये लोग कुछ खा लिए थे, कुछ बैठे हैं, तो जब सब ने खा लिया मतलब थोड़ा बहुत कोई कोई बैठे थे, तब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट की है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी को बुरा ना लगे कि हमारी वीडियो बना रहे हैं खाते समय, या हर इंसान अलग अलग सोच के होते हैं। तो मैंने बाद में यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाई। आज ये सारे लोग चले गए हैं गढ़वाल, और 2-3 दिन रहेंगे गढ़वाल में, फिर आएंगे देहरादून, उसके बाद फिर चले जाएंगे मुंबई। ये देखिए किचन में भी हैं बहुत सारे घुसे हुए बर्तन साफ करने के लिए, कोई खाना लगा रहा है। तो ऐसे ही सब मिलके पूरा परिवार नीचे बैठ के आराम से खाना खाए ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये पनीर इतनी ज़्यादा बच गई थी, मुझे लग रहा था कि पूरी नहीं होगी, लेकिन पनीर, खीर, सब्जी तो थोड़ी सी बची थी, सारा खाना